Uh, मेरा क्वेश्चन है अनुषे से कि आपने जब रक्से बिस्मिल ड्रामा जब किया था तो अवार्ड जब मोमिन को मिला तो आपकी क्या फीलिंग्स थी दिल पे बड़ी चोट लगी मैं लेने आई हूँ अवार्ड आज देखिए आप मेरी बात सुने मुझे मिलने चाहिए कम से कम छः अवार्ड दो मोमिन के दो इमरान अशरफ के और दो महमूद असलम साहब के क्योंकि इन तीनों फनी लोगों के साथ एक सीरियस प्रोजेक्ट करना वॉज अ टास्क फॉर मी और मेरे हर सीन में आप लोगों ने देखा ही है कि मैं कितनी सीरियस और रोने वाली और मैं मोमिन के आगे हाथ जोड़ती थी कि मोमिन जस्ट टू सेकेंड्स डोंट लाफ डोंट लुक एट मी डोंट लाफ जस्ट जस्ट स्टे हियर जस्ट स्टैंड हियर अच्छा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सीन कर रहे होते हैं ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला एक्टर वहाँ ना हो <laughs> तो मोमिन को वहाँ खड़ा होना पड़ता था और मुझे मोमिन के माथे को या बाल को देख के डायलॉग बोलना पड़ता था क्योंकि अगर मैं इनकी आंखों में देख लूँ तो मैं सीन ही नहीं कर सकती हो ही नहीं सकता आंखों का मशाला फिर आपको पता है लेवल ही इतना तो मैंने बड़ा ढूंढा कनाडा में इनको अच्छी एक्टिंग का अवार्ड नहीं मिला मुझे इनकी एक्टिंग खराब कर देगा गाइस दिस इज ट्रू गाइस लिसन कुछ सुन क्यों नहीं रहा <laughs> <laughs> नहीं लेकिन मैं बताऊँ ये इनकी एक्टिंग इज़ ऑन अनदर लेवल इनको किसी की नहीं जरूरत की की है, है और जिसकी वजह <laughs> से नहीं है, बट मुझे पता है कि कितनी ऑफर्स को रिजेक्ट किया और प्रोड्यूसर्स कितने <laughs> आपने एक्टिंग करियर से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था तो क्या उस टाइम लगा कि काम ज्यादा हो रहा है फैसला <laughs> आपने किया कि जो उनको <laughs> आ, नहीं एक्चुअली बीच का कुछ हुआ आ, मेरी अम्मी बीमार थी अच्छा और मुझे लगता था कि मतलब उनको टाइम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट था वो हॉस्पिटलाइज होती थी तो मैं उनका हमेशा ख्याल रखती थी और अम्मी हमेशा मेरे पास ही रहती थी अच्छा। तो आ, जो जो टाइम मैंने काम नहीं किया उसमें मैंने थोड़ा सा इस तरह भी एक स्टेप बैक लिया कि मैं हर ड्रामा कर रही थी और मैं बहुत चैनल्स पे हर वक्त नजर आ रही थी तो मैं मेरे लिए भी टायरिंग था वो और हर वक्त इतना हर चैनल पे आना भी वाज नॉट यू नो द बेस्ट थिंग तो मैंने उससे ब्रेक भी लिया मम्मा को टाइम भी दिया एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं उनको टाइम दे सकी क्योंकि नवंबर uh, 2021 में वो नहीं रही हमारे साथ hmm. so आपकी <coughs> अम्मी को जन्नत है कि वेन योर पेरेंट्स नीड यू तब आई थिंक दुनिया का हर काम छोड़ के आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए क्योंकि दैट इज द रियल सक्सेस तो यू नो शी डिजर्व द बिगेस्ट द बिगेस्ट अपलॉट पूछिए और कोई सवाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या Muslim. नाम है आपका नाम बाद में बताऊंगी पहले इनको आये, 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 आये. <laughs>

एक्चुअली uh, हाँ मे बी लेकिन मुझे तो किसी मतलब uh, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी जब भी किसी के साथ सीन होता था और किसी ऐसे इंसान के साथ होता था किसी ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसके साथ मेरा कम काम होता था तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी उस सीन uh, की और जितने भी मोमेंट्स से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी uh, इमरान के साथ बहुत ज़्यादा काम था मेरा तो इमरान के साथ भी Uh, जैसे वो थप्पड़ वाला सीन था वो बड़ा इंटेंस सीन था तो हमने उसके लिए बहुत प्रिपेयर करते थे और बड़े एक्साइटेड होते थे मैंने सुना यूट्यूब में सुना था कि आपको वो थप्पड़ रियल में लगा था नहीं एक्चुअली एक्टर्स एक दूसरे को रियल थप्पड़ नहीं मारते वो बड़ा क्लोज होता है टच uh, होता है फेस से हाथ लेकिन वो एक्चुअली थप्पड़ नहीं होता तो उसमें जो मेरा सीन था इमरान के साथ उसमें भी हमने उसको इतना अच्छा माइम किया कि वो आप लोगों को अच्छा अच्छा एक्चुअल थप्पड़ लग रहा था और you. ये YouTube पे जो ये वीडियोस लगा रहा है ना भाई जीएल में धप्पड़ लगा था ये किस किस्म का कंटेंट यार तुम लगा रहे हो इसको स्ट्राइक <laughs> वेलकम बैक वेलकम बैक ज्यादा टाइम तो नहीं लगा है करें शुरू करें <laughs> कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाहेंगी कि आप अपने बारे में चेंज करें बहुत सारी चीजें चेंज करना एक एक ज़्यादा ना करें क्योंकि हम आप हमें आप अच्छी लगती हैं अच्छा थी। 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 आ, मैं अपने बारे में अपने गुस्से को शायद चेंज करना चाहती हूँ मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहती लाइफ ठीक है लेकिन आ जाता है तो अब क्या करें जब आ जाता है तो फिर आ जाता है गुस्सा आता बाजी सटकली <laughs> कोई बात नहीं कोई ऐसी चीज जो आप चाहेंगी मैं अपने बारे में चेंज करूँ आप अपने बारे में मैंने वक्त गुजारा आपके साथ काफी नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं यह नहीं हो सकता मोमेंट आप अपने बारे में कुछ चेंज नहीं कर सकते पक्का परफेक्ट बेहतर होने की भी कोशिश नहीं नहीं, नहीं अरे बेहतरीन है बेहतरीन <laughs> अब बड़े इलाके आई मैं आपका बड़ा शुक्रिया इस तरह ही एमपी विजिट करते रहे तो अब तरक्की करते रहेंगे ऐसी लग रहा कुछ सियासत आने वाले इलाके आई है वेलकम बैक ब्रेक में भी इतनी अच्छी बातें शो में भी इतनी अच्छी बातें लेकिन बेहतर है कि आपके साथियों इसी तरह हंसते रहें, खेलते रहें, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दोस्ती प्रोफाइल आपके कुछ दोस्तों के नाम हम लेंगे और हम चाहेंगे कि आप उनकी दोस्ती प्रोफाइल्स कंप्लीट करें ठीक है लेट्स स्टार्ट ट मेरा नाम ओ इमरान है पर सारे मुझे

<laughs> हाँ, लेकिन आप बताए इमरान से कभी आ uh, रहा ना बदतमीजी की उम्मीद ना रखना वेरी रिस्पेक्टफुल तीन अल्फाज मेरी शख्सियत बयान करते हैं सच सच इमरान का ह्यूमर हां ओ लोगों को नहीं पता <laughs> लोगों को क्या गेम है अभी पता नहीं है कि इमरान भाई का ह्यूमर किस लेवल पे आई थिंक एक्टिंग से ऊपर उनका ह्यूमर है हां मैंने सबसे पहले ह्यूमर बोला इसीलिए बिकॉज़ यू आर सच है कि उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनका उनके ह्यूमर so, का सीन है सो इमरान का ह्यूमर इमरान की एक्टिंग uh, और इमरान की पर्सनालिटी वाह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मोमिन है <laughs> देखिए उन्होंने कोई प्रोजेक्ट आपके बगैर नहीं किया मूवी आपके साथ रक्से बिस्मिल्ला आपके साथ शो भी आपके साथ ठीक है ये मान की सबसे बड़ी की उस ह नेक्स्ट फेडी आया ओ माय गॉड दिस इज माय फेवरेट मत करो यार ये मेरी जो टीम है ना ये बड़े शरारती है तुम लोगों का कुछ करना पड़ेगा नॉटी बॉय आई लाइक दिस नॉटी नॉटी